हेलो एवरीवन, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हम लोग चैप्टर फर्स्ट का। अभी टॉपिक हम शुरू करेंगे, दो टॉपिक आपके रहे हैं चैप्टर फर्स्ट में, एक तो रहा है पास्ट एडजस्टमेंट और दूसरा आपके गारंटी वाला टॉपिक, तो दोनों कवर करेंगे इस साथ में। अभी जो पढ़ने वाले हैं वो पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट, ये क्या है, इस टॉपिक का क्या मतलब है कि हमने पार्टनरशिप अकाउंट बना दिए हैं, ईयर एंड हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे एडजस्टमेंट थे वो एडजस्टमेंट हम मिस कर चुके हैं, उसकी एंट्री नहीं की है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल एंट्री के थ्रू भी एडजस्टमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना के इसको एडजस्ट किया जा सकता है। इसका थोड़ा सा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ, उसका क्या मीनिंग है देखिए, आप इसको समझिएगा कि सपोज मानो हमारी एक फर्म है, इस फर्म के अंदर तीन पार्टनर है, ए बी और सी, ये तीनों पार्टनर है। लास्ट ईयर जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था उस समय इनका जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को इन्होंने तीनों ने बांट दिया था आपस में। कुछ ऐसे एडजस्टमेंट थे वो भूल चुके थे, जैसे इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना था, लिया नहीं लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, इसकी एंट्री करनी थी भूल गए, ये पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के एडजस्टमेंट भूल गए, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो है वो इन्होंने गलत अप्लाई कर दिया। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो हमें लास्ट ईयर करना चाहिए था किसी कारणवश हम वो एडजस्टमेंट करना भूल गए। ऐसे केस में क्या हुआ कि जो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो इन पार्टनर्स के अंदर रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो उसको हम लोग कैसे परफेक्ट करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे, आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, समझता ध्यान से आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि ये तीन लोग हैं, तीन लोग मिलके एक थाली के अंदर खाना खा रहे हैं, इसको आराम से समझना आप, तो तीन लोग हैं, तीन लोग थाली में खाना खा रहे हैं, अब वो जो खाना खा रहे हैं आप उसको समझिए, खाना जो भी आ रहा है वो खाना इन तीनों में बटेगा। अगर सपोज करो इसने कम खाना खाया है तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ये ज्यादा खाए और ये ज्यादा खाए, सपोज मानो दो लोग बोलते हैं कि हम दोनों ने कम खाया तो 100% पॉसिबिलिटी है कि तीसरा व्यक्ति ज्यादा खाना खाएगा। क्या मतलब इसका मीनिंग मैं समझाना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना था इसका जो प्रॉफिट था या लॉस था जो भी बना था, ये प्रॉफिट लॉस किसने बना था, एबीसी ने बना, ये सारे जो ट्रांजेक्शन में बता ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये सारे ट्रांजेक्शन करने थे, गलती से किए नहीं तो प्रॉफिट या तो ज्यादा बटा होगा या कम बटा होगा, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो जब कभी भी कोई एंट्री अगर मिस कर लेते हैं और उस केस में प्रॉफिट बढ़ जाता है तो उसमें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर छेड़खानी नहीं करते, काट छाट अलाउड नहीं होती है, वापस नहीं बनाते, हम एक काम करते हैं अगले साल जब भी हम ओपनिंग एंट्री करेंगे उस समय एक एडजस्टमेंट एंट्री लगाते हैं और उनके अंदर पार्टनर्स के बीच में जो भी एडजस्टमेंट होगा एडजस्टमेंट करके जिसको डेबिट करना है वो डेबिट कर दो, क्रेडिट करना उसको क्रेडिट कर दो, एक एंट्री से हमारा काम हो सकता है। इसका मतलब यहाँ जो एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि अगर किसी पार्टनर को पैसे ज्यादा गए हैं इसका मतलब वो ज्यादा पैसे किसी दूसरे पार्टनर के थे, तो अगर किसी के पास पैसे ज्यादा गए हैं तो ध्यान रखना जिसके पास ज्यादा जाते हैं उसको डेबिट कर दो तो कम हो जाएंगे, और जिसके पास कम आए हैं उन दोनों का क्रेडिट कर दो, दो हो सकता है, एक हो सकता है कि दोनों का ज्यादा रहते हैं दोनों का डेबिट करेंगे उसको क्रेडिट कर देंगे, जैसी सिचुएशन आपको दिखती है वैसा हम काम कर सकते हैं। तो ये क्लोज्ड आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स कोई एडजस्टमेंट अगर मिस हो जाता है उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हमारे पास इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, हम एक सिंगल एंट्री भी लगा सकते हैं और एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना के भी हम काम कर सकते हैं। तो एग्जाम के अंदर बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली ऐसे नहीं कहता है कि एडजस्टमेंट अकाउंट बना के लिखिए, आपको यही कहता है कि एक सिंगल एंट्री लगा के दे दीजिए, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आप लोगों को मैं सिंगल एंट्री वाला सिस्टम को पहले समझाता हूँ, फिर हम क्या करेंगे सेम क्वेश्चन का एडजस्टमेंट अकाउंट बना के भी हम लोग समझ लेंगे कि दोनों तरीके कैसे होते हैं। तो आपको इसके लिए मैं लेके चलता हूँ सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो आप लोग सभी पेज नंबर 28 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, ए बी और सी एक फॉर्म में बराबर के साझेदार हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं, जनवरी 2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 50,000, 40,000, 30,000 थी, वर्ष 2016 के खाते बंद करने के बाद ये पता
पता चला कि साझेदारी समझौते के अनुसार साझेदारी की पूंजी पर 10% ब्याज और वो 30,000 वार्षिक वेतन तथा 6,000 कमीशन का बराबर लाभ बांटने से पूर्व नहीं किया गया है। साझेदारों में यह समझौता हुआ कि चिट्ठे को बदलने के बजाय अगले वर्ष के प्रारंभ में समायोजन प्रविष्टि कर ही प्रविष्टि कर दी जाए। ये मानते हुए कि पूंजी स्थिर है, समायोजन हेतु क्रिया दिखाते हुए फॉर्म की पुस्तकों में एक जनरल प्रविष्टि की सीधा सीधा सिंपल बोला है, एक एंट्री करके आपको देखना कैसे करेंगे एक एडजस्टमेंट का। एडजस्टमेंट में हम क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट नहीं करेंगे उसको एडजस्टमेंट के लिए बाकी नोट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 28 एनालिसिस टेबल बनाते हैं। यहां पे तीन पार्ट का हमारे पास है, ये पर्टिकुलर का कॉलम है जिसके पार्टनर होते हैं अकाउंट्स बनेंगे, ये पार्टनर ए, ये पार्टनर बी, ये पार्टनर सी और एक बनेगा ए फर्म का, ये बताएगा ए फर्म, ये लिखा है एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल में ये पार्टनर ए है, ये बी है, ये सी और ये आपका रहेगा फर्म, फर्म का डेबिट, फर्म का क्रेडिट, सी का डेबिट क्रेडिट, बी का डेबिट क्रेडिट है, ए का भी डेबिट और क्रेडिट, ये हो जाएगा आपका पार्टी। देखिए क्या लिखा हुआ, क्या क्या बोल चुके हैं उसकी एंट्री करते हैं। हमको देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने नहीं दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दे दीजिए 10%। देखेंगे यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना, ध्यान देना, मैंने आपको पहले बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द फर्म एंड इनकम फॉर द पार्टनर। तो जब पार्टनर्स के लिए पार्टनर के लिए इनकम है तो पार्टनर को क्रेडिट करेंगे और फर्म का एक्सपेंडिचर है तो फर्म को करेंगे हम डेबिट। कितना आएगा, 10% देना है, 50, 40 और 30, तो इसका आएगा 5,000 क्रेडिट हुआ उसको, ये 4,000 और ये आपका आ जाएगा 3,000। 50, 40 और 30 है तो ये बन जाएगा आपका 12,000 रुपये क्या करेंगे डेबिट करेंगे फर्म। दूसरा लिखा हुआ है अब 30,000 का वार्षिक वेतन देना था, ए का सैलरी लिखेंगे यहाँ पे, लिखा हमने सैलरी, सैलरी को ए, 30,000 रुपये ए को दे दो आप, इनका कोई रूल नहीं है यहाँ पे, तो फॉर्म हो जाएगा आपका डेबिट। उसके बाद बोल रहा है आपके सी को, सी को देना है आपको 6,000 का कमीशन का बराबर है, तो 6,000 का कमीशन लगा देते हैं, सी को देना है तो सी को हमने 6,000 का कमीशन दिया, ये 6,000 यहाँ पे डेबिट किया। अब आपको क्या करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे टोटल लगाऊंगा, आप चाहो तो पूरी कंपनी टोटल लगा सकते हैं, एक लाइन छोड़ के फर्म का डेबिट आ रहा है 12 और ये आ रहा है 30, ये आ रहा है 6, तो 340 42 हो जाएगा आपका 48,000। तो डेबिट साइड की टोटल 48,000 है, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है तो टोटल आदमी कितनी रहेगी 48,000, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 48,000 का बैलेंस बना। फर्म का क्रेडिट है तो पार्टनर का होगा डेबिट और बोला हुआ है बराबर बराबर बटेगा, साफ साफ लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, यहाँ लिखेंगे लॉस, ये हो जाएगा लॉस, या फिर इसको प्रॉफिट एंड लॉस कह सकते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस कौन से रेशियो बटेगा 1:1:1 हो जाएगा 16,000 रुपीज। फॉर्म में किया है क्रेडिट तो पार्टनर में करेंगे हम डेबिट, 16,000 यहाँ पे, 16,000 बी में और 16,000 ही आपके सी में। अब आपको यहाँ पे काम करना है, पार्टनर्स की टोटल लगानी है, पार्टनर ए का डेबिट है 16,000 और ये आ रहा आपके 30+35 35,000 रुपये, ये सॉरी आप स्प्रिंट देखो आप लोगों, ये हिंदी में 30,000 लिखा हुआ है और इंग्लिश में आपके 3,000 रुपए हैं, आप थोड़ा सा करेक्ट करें, ये स्प्रिंट है 3,000 रुपए हैं, वो हिंदी में 30,000 लिखा हुआ है, थोड़ा सा करेक्ट करें, सारे चीज मैंने किया है। एक
तो यहाँ पे ये 3000 है, तो ये हो जाएगा 21,000 रुपीज़। ये 21,000 बढ़ेगा आपकी, ये आएगा आपका 7,000, ये हो जाएगा आपका 7,000 और ये हो जाएगा 7,000। ध्यान देना क्वेश्चन पर टाइप करना मिस्टेक है, ये हिंदी में 30 लिखा हुआ है, इंग्लिश में 3000 की का काउंट होना। डेबिट की टोटल 7,000, यहाँ पे आ रही है आपकी 8,000, इसकी 7,000 या 4,000, ये आ रहा है 7,000 और ये आ रहा है आपके 9,000। कैसे कहेंगे देखो आंसर कैसे लिखेंगे, एक्चुअली कैसे करना था आपको 8,000 से। यहाँ पे बी की बात करें, बी को हमने कितने से किया डायरेक्ट 7,000 से, और क्रेडिट कितने से करना था आपको 4,000 से। ये सी का 7,000 और 9,000 का डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है आपके 1,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है ए के अंदर, 3,000 का डिफरेंस आ रहा है बी के अंदर, और 2,000 का डिफरेंस आ रहा है आपको सी के अंदर। इसका मतलब बी को पैसा, बी से पैसा लेना कितना था 7,000 और देना कितना था 8,000, तो बी को हमने पैसे कितने कम दिए 1,000 रुपये, 1,000 रुपये उसको देंगे। बी को देना कितना था 4,000 और लेना कितना था 7,000, तो हमने इसको ज्यादा उससे पैसे लेने हैं, हमको कितने पैसे देंगे 3,000 रुपये, और सी का देखने को 7,000 लेने थे, 9,000 देने थे, मतलब इसको 2,000 कम देंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या लगने वाली है, आपकी एक एंट्री लगेगी डेबिट कौन है, तो डेबिट आ रहा है बी, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कितने हो जाएगा 3,000 से, ए का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये हो जाएगा आपका 1,000 रुपीज से, और सी टू सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये हो जाएगा आपका 2,000 रुपीज से। ये हमने एडजस्टमेंट लगा दी और ये एंट्री कर दिया। जब इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आता है तो इसका एडजस्टमेंट इस तरह से किया जाएगा। ये थोड़ा सा स्प्रिंट है उसको देख लेना, हमारा देखा नहीं था, ये 30,000 है कि जगह 30,000 की जगह 3,000 है, तो करेक्ट कर लीजिए। तो ए बी और सी इनके बीच पहले जो प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, बट ये तीन ट्रांजेक्शन हमने नहीं किए थे, तो हमने वो तीन ट्रांजेक्शन कर लिए, इससे कितना लॉस बनना था 21,000 का, ये लॉस हमने ए बी सी में बांट दिया। फिर हमने देखा किसको देना था किससे लेना था, ए की बात करें ए को देना ज्यादा था लेना कम था, ए को देंगे 1,000 रुपये,